चलिए फिर से आपका एक बार स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। यह हमारे अकोला में दो हॉस्पिटल है, एक है रिश्तेदारों के साथ में लोगों को भर्ती करते हैं, रिश्तेदारों के अलावा भर्ती करते हैं और लोगों का इलाज करते रहते हैं। यह जो वीडियो आपको बताने वाला हूँ, यह वीडियो एक नॉन स्पेसिफिक साइकोसिस है। इसका मतलब यह है कि इसको प्रॉब्लम है, मानसिक प्रॉब्लम है, दो तीन महीने से प्रॉब्लम है और नींद नहीं आना, बकबक करना, घूमना फिरना इधर उधर, किसको मारपीट करना, गाली गलौज करना, इस तरह का इसका चालू था। इसको पहले भी इसको यहाँ हमारे यहाँ लाया था, उसका इलाज किया था और बाद में फिर उसका इलाज छोड़ दिया और फिर ये सेकंड टाइम उसको ये एपिसोड हुआ। तो ये काफ़ी दिन तक लोगों को इलाज करना ज़रूरी है और लोग यदि इलाज करते हैं वो और अच्छे होने के बाद में भी यदि वो गोलियाँ लेते हैं, दवाई चालू रखते हैं कम से कम एक साल तक, तो फिर रिलैप्स होने के चांसेस कम हो रहे। तो देखिए वीडियो में इसका नाम क्या है, इसका बोलता नहीं था और सोके रहता था। कब से चल रहा था, कितने दिन से? पहले आने नहीं, यहाँ आने के पहले कितने दिन से ऐसा कर रहा था? मैं पहले आने था ना, टाइम पहले तीन साल पहले यहाँ लाया था। हाँ हाँ, अभी अभी कब से हुए था? तो अभी जो खराब हो गया ये कब से खराबी हो गई? दिमाग कब से खराब? दो तीन महीने से ऐसा हो रहा है। ओके ठीक है, तो अभी कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? कैसे चल रहा है, बोलता आज मशीन काम करती तो अभी ठीक लग रहा है। हाँ, तो बातचीत ठीक करता है, सोता है, खाना खाता है, तभी फायदा हो गया। आप काम क्या करते हैं? मशीन काम करते। मशीन काम? हाँ। काय का मशीन चलाते? कपड़े सिलाने। कपड़े सिलाने का है। हाँ। ओके ठीक है। तुम्हारा कैसा लग रहा है अभी? ठीक लग रहा है, अच्छी है अभी तबीयत? ऐसा है, पैर से भी अधू है, पैर से भी चल सकता नहीं, है ना? अधू है ना पैर से, ये पैर गया हुआ है। हाँ, पोलियो हो गया है, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत ही हमारा संकल्प है। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि लोगों का एजुकेशन मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हो जाएगा, मेंटल हेल्थ के बारे में हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। ऑनलाइन कंसल्टेशन भी हम करते रहते हैं, मतलब लोग हमको फ़ोन करते रहते हैं और फ़ोन करके हमारा सलाह लेते हैं। ऑनलाइन कंसल्टेशन हम करते फ़ोन के ऊपर, मैरिज काउंसलिंग है, फिर उनके पर्सनल लाइफ के बारे में कोई कंसल्टेशन है या काउंसलिंग है वो भी करते रहते हैं। नीचे दिए हुए फ़ोन के ऊपर आप हमारे संपर्क कीजिए और हमसे अपॉइंटमेंट आप ले सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।